देखिए हमारे पास दूसरा कंपोनेंट जो कि बायर ब्लैक बॉक्स को इन्फ्लुएंस करता है वो बायर डिसीजन प्रोसेस है। यानी बायर डिसीजन प्रोसेस का मतलब ये कि एक बायर किस तरह से डिसीजन मेकिंग करता है। तो अब हमें दो चीज़ों को स्टडी करेंगे, एक बायर का स्टेप बाय स्टेप डिसीजन प्रोसेस लेटर ऑन, पहले ये कि जो डिफरेंट बायर डिसीजन टाइप्स हैं वो क्या होती हैं। तो हमारे पास चार यहाँ पर बायर डिसीजन टाइप्स हैं, कॉम्प्लेक्स बाइंग बिहेवियर, डेजनेंस रिड्यूसिंग बाइंग बिहेवियर, हैबिचुअल बाइंग बिहेवियर और वैरायटी सीकिंग बाइंग बिहेवियर। आइए इस एक 2x2 मैट्रिक्स के मदद से हम इन चारों डिसीजन जो टाइप्स हैं बायर बिहेवियर की उसको समझने की कोशिश करते हैं। हमारे पास आपके सामने स्क्रीन पे अगर आप देखें तो आपके पास दो तरफ एक वर्टिकल एक्सिस पर दो डायमेंशंस हैं और दो आपके पास हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे डायमेंशंस हैं। अगर आप हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे या टॉप ऑफ द मैट्रिक्स देखें तो इन्वॉल्वमेंट की डायमेंशन है, और अगर आप हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे देखें तो डिफरेंसेस बिटवीन ब्रांड्स की डायमेंशन है। तो ये मैट्रिक्स हमें गाइड करता है कि दो सिचुएशंस हो सकती हैं, एक ऐसा बाइंग डिसीजन है जिसमें हाई इन्वॉल्वमेंट है और दूसरा ऐसा है जिसमें लो इन्वॉल्वमेंट है। इसी तरह से एक ऐसी सिचुएशन हो सकती है जिसमें जिन ब्रांड्स को एक कस्टमर चूज़ कर रहा है उनके दरमियान डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा हैं, और दूसरे ऐसी सिचुएशन है जिसमें ब्रांड डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा नहीं हैं। अब ये मैट्रिक्स हमें बताता है कि अगर एक बाइंग डिसीजन ऐसा हो जिसके अंदर हाई इन्वॉल्वमेंट हो, याद रखिएगा हर वो बाइंग डिसीजन हाई इन्वॉल्वमेंट का होगा जिसमें ज़्यादा आपकी इन्वेस्टमेंट होगी टाइम के हवाले से भी, ख़ासतौर पर फाइनेंशियली जो एक महंगा डिसीजन होगा, जो कि आप समझ लें कि जब आप स्पेशलिटी आइटम्स बाय करते हैं, कोई गाड़ी बाय कर रहे हैं या आप कोई घर बाय कर रहे हैं इस तरह की, या बड़ा कोई प्लांट एंड मशीनरी बाय कर रहे हैं, तो उसमें आपकी हाई इन्वॉल्वमेंट होगी। अब उसमें दो सिचुएशंस हैं, एक ये है कि जो ब्रांड डिफरेंसेस हैं वो बहुत सिग्निफिकेंट हैं, जो ब्रांड्स के दरमियान डिफरेंसेज हैं जिनमें से आपको चूज़ करना पड़ रहा है वो बहुत ज़्यादा हैं और बहुत ऑब्वियस डिफरेंसेज हैं, तो यहाँ पर जो आपका बाइंग डिसीजन है वो कॉम्प्लेक्स हो जाता है। यानी कॉम्प्लेक्स इस लिहाज से हो जाता है कि अब आपको ये नहीं समझ आ रही होती कि आप कौन सी चीज़ को चूज़ करें, क्योंकि जो ब्रांड्स के दरमियान डिफरेंसेस हैं वो बहुत सिग्निफिकेंट हैं, और अगर आप एक ख़ास ब्रांड को चूज़ कर लेते हैं तो ऑफ कोर्स दूसरे सारे ब्रांड्स आपको छोड़ने हैं, और ये एक हाई इन्वॉल्वमेंट डिसीजन है जो कि आप बार बार बदल नहीं सकते हैं, तो कॉम्प्लेक्स बाइंग बिहेवियर हो गया। अगर कहते हैं कि इसी रेंज में कि आपकी हाई इन्वॉल्वमेंट है लेकिन जो ब्रांड डिफरेंसेस हैं वो बिल्कुल थोड़े से हैं, तो कहते हैं कि इस किस्म का जो बाइंग डिसीजन है इसमें प्रॉब्लम ये होता है आमतौर पर, पहले में तो था कि करने में मुश्किल है लेकिन अगर एक बार डिसीजन कर लें तो बाद में इतना प्रॉब्लम नहीं है। इसमें तो इशू ये है कि डिसीजन करने में जो कि डिफरेंसेस बहुत कम हैं, आप डिसाइड कर लेते हैं किसी एक चीज़ को कि यार सारे एक जैसे हैं, लेकिन बाद में फिर आपको लगता ये है कि मुझे चाहिए था कि मैं वो वाली चीज़ ले लेता जो मैंने छोड़ दी है, तो इसको हम कहते हैं कि इसमें आमतौर पर डेजोनेंस रिड्यूसिंग बाइंग बिहेवियर होता है, जिसमें इस तरह से कस्टमर कर रहा होता है कि वो इस तरह बाय करे कि बाद में उसको ज़्यादा पछतावा ना हो। उसके बाद दूसरी तरफ लो इन्वॉल्वमेंट डिसीजंस हैं, जिसमें पहला ये है कि ब्रांड डिफरेंसेस बहुत सिग्निफिकेंट हैं लेकिन जो आपकी इन्वेस्टमेंट है वो बहुत, आप ये कह लें कि नॉर्मली जो आप बिस्किट्स बाय करते हैं या आप शेविंग क्रीम बाय करते हैं या शैम्पू बाय करते हैं या सोप बाय करते हैं, ये जो आपकी कन्वीनियंस गुड्स हैं आमतौर पर वो लो इन्वॉल्वमेंट डिसीजंस में आ जाती हैं, ग्रोसरी आइटम्स। तो इसमें वो कहते हैं जी अगर तो ब्रांड डिफरेंस सिग्निफिकेंट है तो वैरायटी सीकिंग बाइंग बिहेवियर है, कस्टमर आमतौर पर कोशिश करेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा वैरायटी वो देखे, और अगर डिफरेंसेस कम हैं तो फिर ऑफ कोर्स वो हैबिचुअली बाय करेगा, जो एक चीज़ वो पहले ख़रीदता है बस उसी को ख़रीद लेगा। तो ये हमारे सामने चार मुख्तलिफ बाइंग सिचुएशंस हैं जिसमें या डिसीजन टाइप्स हैं, इसको भी आप अपने सामने रखिए जब आप अपने बायर को स्टडी कर रहे हैं कि जो आपकी प्रोडक्ट या सर्विस है वो इनमें से किस कैटेगरी में फॉल करती है, और फिर उसके मुताबिक आप अपनी स्ट्रेटजी जो है उसको क्राफ्ट करें। उम्मीद है कि ये बात आपको क्लियर हुई होगी। थैंक यू वेरी मच।